इस वक्त नहीं मिल पा रही है। तुम्हें स्मरण है तुम मेरी सहायता करना चाहते थे। भ्राता मैं तो केवल प्रयास कर रहा था आपकी सहायता करने का। यदि आपने चुनाव कर ही लिया है तो मैं विवश हूँ। मुझे क्षमा कर दो और मुझे इस प्रेत योनी से मुक्ति दिला। सहायता करो मेरी, सहायता करो। भ्राता प्रायश्चित ही मुक्ति का पहला पग है। अब आप प्रायश्चित कर रहे हैं तो मैं अवश्य ही आपकी सहायता करूंगा। कैसे कि गोकर्ण ने अपने भ्राता की सहायता, क्या उसे पिशाच योनि से मुक्ति दिलाने का उपाय पता था? नहीं, गोकर्ण को ये नहीं पता था। और किसी महानतम से महानतम ऋषि मुनि और तपस्वी भी उसकी ये जिज्ञासा शांत नहीं कर सके। फिर एक दिन भोर में हे सूर्यदेव, आप और चंद्रदेव तो ईश्वर की आंखें, पाप पुण्य सबके साक्षी हैं। अब आप ही मुझे मार्ग दिखाइए जिससे मैं अपने भ्राता धुंधकारी को पिशाच योनि से मुक्ति दिला सकूं। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। आदित्याय विद्महे प्रणाम सूर्यदेव। सहस्त्र किरण्य धीमहि तन्नो सूर्यदेव। मुझे ज्ञात है तुम अपने पापी भ्राता को पिशाच योनि से मुक्ति दिलवाने के इच्छुक हो। उसके लिए उसे जीवन में किए पाप कर्मों से मुक्ति पानी होगी। मुझे क्या करना होगा सूर्यदेव? और ऐसे पापी को पापों से मुक्ति भागवत सत्ता को श्रद्धा और निष्ठा से सुनने पर मिलती है। धन्यवाद सूर्यदेव। सूर्यदेव के कहे अनुसार गोकर्ण ने भागवत सप्ताह का आयोजन किया, जिसके लिए उसने सभी नगरवासियों को आमंत्रित किया। बस अब शेष था तो धुंधकारी को भागवत सप्ताह सुनने के लिए तैयार करना। सहायता का वचन दिया था और कर क्या रहे हो तुम? सदा के समान पूजा पाठ। भ्राता शांत हो जाइए, मैं जो भी कर रहा हूँ आपकी सहायता के लिए ही कर रहा हूँ। शांत हो जाइए भ्राता। भ्राता आपको इसमें योगदान देना होगा। आपको पूरे सप्ताह पूरी एकाग्रता से श्रीमद् भागवत अर्थात श्री कृष्ण की लीलाएं सुननी होंगी, उनके भक्तों की कहानियाँ सुननी होंगी और आपको ये आशा जीवित रखनी होगी कि आप इस पिशाच योनि से मुक्ति पाएंगे। लेकिन मैं पिशाच हूँ, एकाग्र चित्त कैसे रह सकता हूँ? एकाग्रता पिशाचों के स्वभाव में नहीं है। भ्राता अपने इस पिशाच रूप पर विजय पाकर अपने भीतर के भक्त को जगाना होगा, क्योंकि भक्ति की शक्ति सर्वोच्च होती है। करना तो मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन एक पिशाच होके मैं एक स्थान पे कैसे टिक सकता हूँ? भ्राता आप इस सात गांठ वाले बांस में जाकर बैठ जाइए, इससे आपको एक स्थान पर टिकने में सहायता मिलेगी। श्री हरि, ओम हरि हरि हरि, ओम श्री हरि, ओम श्री हरि। ओम श्री हरि। भ्राता हम आपको वैकुंठ ले जाने आए हैं।
तुम्हारी ही कृपा है भ्राता, जो मैं मुक्त हो पा रहा हूँ। हरि ओम हरि। नहीं भ्राता, ये मेरी कृपा से नहीं, ये प्रेत पीड़ा नाश करने वाली श्रीमद् भागवत की कथा और श्री कृष्ण के भक्तों की कहानियां सुनने से आपको मुक्ति मिली है। धन्यवाद भ्राता। जिस प्रकार नदी की पावन जलधारा अपने स्वच्छ जल के प्रभाव से सभी प्रकार के मैल को बहाकर नष्ट कर देती है, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत की कथाओं की धारा बहती है, तो उन कथाओं का श्रवण करने वाले भक्तों के मन वचन कर्म से जाने अनजाने में किए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भक्त गोकर्ण ने अपने भ्राता को मुक्ति दिलाकर ये प्रमाणित कर दिया। मुझे विश्वास नहीं होता, एकमात्र धुंधकारी को मुक्ति कैसे मिली? उन सभी भागवत कथा सुनने वाले को क्यों नहीं? जो तन मन से एकाग्र होकर श्रद्धा विश्वास और भक्ति भाव से भागवत कथा का श्रवण करता है, उसे मनोवांछित फल मिलता है। और वहाँ ऐसा केवल धुंधकारी ने ही किया। पिशाची मनोवृत्ति होते हुए भी धुंधकारी ने स्वयं को 7 दिनों तक ईश्वर भक्ति में डुबोए रखा। 7 दिनों तक उसने ना किसी को परेशान किया और ना ही कुछ खाया पिया, एक प्रकार से व्रत रख कर, और सब कुछ भुला कर प्रभु भक्ति में रम गया। इसीलिए उसे मनोनुकूल फल की प्राप्ति हुई। जो भक्त निस्वार्थ भाव और पवित्र मन से भक्ति में लीन हो जाते हैं, उनकी भक्ति स्वयं ईश्वर से भी बड़ी हो जाती है और वो मुक्ति पाकर ईश्वर में समाहित हो जाते हैं। इसी प्रकार आपको भी एकाग्रता से इन भक्तों की कथाएं सुननी है, तभी जिस प्रकार धुंधकारी को वैकुंठ वास मिला, उसी प्रकार आपको भी कैलाश लौटने का अवसर मिलेगा। पुष्पदंत जी, भक्तों की कथाओं का श्रवण धुंधकारी के समान आपको भी मुक्त करेगा। मुक्त तो मैं अभी हो जाऊंगा गणेश जी। स्वामी, स्वामी नहीं, स्वामी, स्वामी। देखा, उड़नछू हो गया मैं, इससे अधिक क्या मुक्ति होगी? कहीं भी जा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, आनंद ही आनंद में रह सकता हूँ। रुकिए, रुक जाइए पुष्पदंत जी। अब हम क्या करेंगे गणेश जी, उन्हें लौटा कर कैसे लाएंगे? कथा नहीं सुनेंगे तो उनको मुक्ति कैसे मिलेगी? चिंता मत कीजिए मौसी, इस कठिनाई का भी कोई हल अवश्य होगा। वो अभी बहुत दूर नहीं गए होंगे। किंतु वो लौटेंगे कैसे गणेश जी? एक बार देख तो लूं, कहीं गणेश जी मेरा पीछा तो नहीं कर रहे। गणेश जी, वो धुंधकार ही होगा जो भगवत की भक्त कथाओं से बदल गया, किंतु मैं वो पिशाच नहीं। मुझे आनंद आ रहा है इस योनी में, इसलिए मुझ पर इन कथाओं का कोई प्रभाव नहीं होगा। मैं पिशाच था और पिशाच ही रहूंगा, लौटने वाला नहीं हूँ। क्या गोकर्ण की कथा का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा? कभी कभी किसी बात का प्रभाव स्वयं नहीं समझ आता, अपितु अन्य किसी को समझाना होता है, जो अब मेरा दायित्व है। आप यहीं रुकिए, मैं उन्हें लेकर आता हूँ। ओह, यह अंधकारी गुफा, ये उचित स्थान है मेरे छिपने के लिए। ओहो, गणेश जी यहाँ अति शीघ्र कैसे पहुंच गए? मुझे कोई और स्थान ढूंढना होगा छिपने के लिए। चलो महापिशाच, उड़ चलो कहीं और। ये उचित स्थान है। गणेश जी, नहीं हो रहा है, किंतु
दिखाई नहीं दे रहे हैं पुष्पदंत जी। प्रणम्यं शिरसा देव गौरी पुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मर नित्यं मायुता। यहाँ भी नहीं है, यहीं कहीं। फिर भी मुझे चकमा दे रहे हैं वो। तो फिर मुझे भी एक बार पुनः गणेश से गजानन बन जाना चाहिए। स्वामी भोजन कीजिए, आपने 3 दिनों से अन्न का एक दाना भी नहीं खाया है। अगर आप कुछ नहीं खाएंगे तो आप स्वस्थ कैसे रहेंगे? मुझसे नहीं खाया जाएगा। भोजन, स्वादिष्ट भोजन अवश्य खाऊंगा। स्वामी आप खाना चाहते तो अच्छी बात है, ये लीजिए। भोजन की ऐसी भूख, कहीं यही तो नहीं पुष्पदंत जी? जाओ लाती जाओ और लाओ। लाओ, बहुत भूख लगी है, लाती जाओ जाओ। किंतु स्वामी अब तो सारा भोजन समाप्त हो गया है। इनके पात्रों में तो भोजन है ना, ये खाऊंगा। स्वामी ये क्या कर रहे हैं आप? माँ बाबूजी ये क्या हो गया इन्हें? इतना असामान्य व्यवहार, समझ रहा हूं मैं इस पर किसका प्रभाव है। पुत्र ऐसे क्यों कर रहे हो? उचित ही समझा था मैंने। और भोजन लाओ, भोजन भोजन कहाँ है भोजन? ये स्थान ढूंढा है पुष्पदंत जी ने छिपने का। कहाँ है भोजन? और भोजन फल ले लो, ताजे ताजे बढ़िया फल। पुष्पदंत जी इस रूप में मुझे पहचानते हैं, देखते ही फिर इधर उधर हो जाएंगे। ऐसा कुछ करना होगा जिससे उनका ध्यान ही ना जाए मुझ पर। ताजे ताजे बढ़िया फल, फल ले लो। स्वामी ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए उन्हें। छोड़ो। फल दो। इतना फल कहाँ से आया इनमें? माँ माँ पिताजी इन्हें रोकिए ना, देखिए क्या कर रहे हैं। दूध। अरे आप सब क्या देख रहे हैं, रोकिए ना इन्हें। मिष्ठान मिष्ठान दो मुझे, मिष्ठान दो मुझे। स्वामी रुक जाइए, क्या कर रहे हैं?
इनका व्यवहार तो मेरे एक परम भक्त जैसा है। मैं समझ गया कि कैसे इन्हें ठीक करना है। आप अवश्य कोई दिव्य पुरुष है। हे धर्मात्मा जी, मेरे पति पर जिस भी दुरात्मा का प्रभाव है उससे उन्हें मुक्त कीजिए, मेरी सहायता कीजिए। चिंता मत कीजिए देवी, मैं इनकी भूख शीघ्र ही शांत करूंगा। बस उन्हें ये दे दीजिए, इन्हें खाते ही उनकी भूख भी मिट जाएगी और उनका भोजन भी पच जाएगा। धन्यवाद। लड्डू अब आप कहीं नहीं जा सकेंगे पुष्पदंत जी। अचानक जीवन इतना कठिन क्यों हो गया है? जहां कठिनाई है वहां प्रभु सरलता की, उपाय की एक खिड़की अवश्य खुली छोड़ देते हैं। बाबा ने रात्रि भर भूखा रहने का दंड दिया था, किंतु अब तो बोर रो रही है। पेट की गुड़गुड़ अब प्रतीक्षा कठिन बना रही है। अब मैं रुक नहीं सकता। इतने सारे पकवान, आनंद आ जाएगा। क्या खाऊं क्या खाऊं? मोदक नहीं नहीं, गुड़ पोली नहीं नहीं, श्रीखंड नहीं नहीं, पुरी नहीं नहीं, लड्डू। आनंद आ गया।
मोरिया स्वयं पर नियंत्रण ही नहीं रख सका, खाता ही गया और इतना खा गया कि ऐसी स्थिति हो गई जैसे उसका पेट फटने वाला हो। फटता है, अधिक भोजन करने से कभी कभी पेट फट जाता है ना गणेश जी, जैसा एक बार आपके साथ हुआ था। फिर आपको अपना पेट नाग देवता से बांधना पड़ा था ना। हाँ, और मोरिया के साथ भी कुछ अत्यंत कष्टकारी हुआ। स्वामी आराम से। हमने ये क्या कर लिया पुत्र? पुत्र तुम लेटे हो, मैं भी किसी वैद्य को लेके आता। सब ठीक हो जाएगा, शांत हो। मुझे बहुत दुख रहा है माँ। वैद्य जी देखिए। पुत्र तुम अभी स्वस्थ हो जाओगे। भैजी स्वामी पुत्र धीरे रखो, मैं दूसरे वैद्य को लेके आता हूं। जल्दी जाइए। उस नगर के कई प्रसिद्ध वैद्यों ने प्रयास किया किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। माँ, कोई लाभ नहीं हो रहा है मुझे। माँ कैसे सहायता करूँ अपने पुत्र की? स्वामी स्वामी कुछ कीजिए, मेरे पुत्र के कष्ट को दूर कीजिए स्वामी। गणपति बप्पा। हे प्रभु, हे गणेश जी, अब आप ही कोई मार्ग दिखाइए, हमारी सहायता कीजिए प्रभु। गणपति बप्पा की जय हो। ऋषि मैं ऋषि नारायण भारती गोसावी हूँ। मैं यहाँ से जा रहा था तो किसी की कष्ट भरी चीख सुनी, इसलिए यहाँ आ गया। ऋषिवर, वो मेरा पुत्र मोरिया है, आइए आइए आइए। ऋषिवर, कोई भी औषधि इसकी सहायता नहीं कर पा रही है, यहाँ तक कि सारे वैद्य हार मान गए। ऋषिवर, इसने भोजन अधिक खा लिया, कुछ कीजिए ऋषिवर। सुखिनः सर्वे संतो। आप इन्हें गणेश जी के मंदिर ले आइए, इनके कष्ट वही दूर होंगे। आ, 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 आ,
पुत्र धैर्य रखो, स्वस्थ हो जाओगे। पिला दीजिए इसे, गणपति बप्पा कृपा करेंगे और फिर से आपका पुत्र स्वस्थ हो जाएगा। सुनो गणेश पुत्र, उठो उठो। प्रभु तेरी महिमा गाए, बप्पा तेरा ही गुण 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 गाए। खूब कष्ट होता है ऋषिवर, मैं ठीक हो जाऊंगा ना? गणपति बप्पा अभी कृपा करेंगे पुत्र। विघ्नेशाय नमः, विश्ववरदाय नमः, विश्वचक्षुषे नमः, जगत्प्रभवे नमः, हिरण्यरूपाय। गणपति बप्पा अभी कृपा करेंगे पुत्र। मने नमः, ज्ञानरूपाय नमः, जगन्मयाय नमः, ऊर्ध्वरेत्से नमः, महाबाहवे नमः, अमेयाय नमः, अमित विक्रमाय नमः। आपने उचित कहा था ऋषिवर, गणपति बप्पा ने कृपा की, मुझे स्वस्थ कर दिया। धन्यवाद ऋषिवर। ऋषिवर आपको कोटि कोटि धन्यवाद। पुत्र तुम संस्कारी हो, बुद्धिमान हो, फिर ऐसे भूल कैसे कर दी तुमने? आवश्यकता से अधिक कभी नहीं खाना चाहिए, स्वाद का लालच नहीं करना चाहिए। मैं रोकना तो चाहता हूँ ऋषिवर, किंतु मैं क्या करूँ? जो देखता हूँ उसे अधिक खाने का मन करता है। खीर देखता हूँ तो श्रीखंड खाने का मन करता है, श्रीखंड देखता हूँ तो पेड़े खाने का मन करता है, पेड़ा देखते ही लड्डू, और लड्डू खाता हूँ तो पूरन पोली, पूरी, हलवा, भाकरी, नारियल वड़ी, मन नहीं भरता, भले ही पेट क्यों न भर जाए। ऐसा इसलिए है पुत्र क्योंकि इनमें से किसी का भी स्वाद सच्चा नहीं है, और मन तो तभी भरता है जब स्वाद सच्चा हो। तो सच्चा स्वाद किस में होता है गुरुवर? अब तुमने मुझे गुरुवर बुलाया है तो मैं बताता हूँ शिष्य, सच्चा स्वाद स्वादिष्ट पकवानों में नहीं, उनकी रुचि में भी नहीं, बल्कि ईश्वर की लगन में है। गणपति बाप्पा की सेवा और पूजा उनकी सच्ची भक्ति में ही है। ऐसा करूँगा गुरुवर, तो क्या गणपति बाप्पा मुझे साक्षात दर्शन भी देंगे? हाँ पुत्र, सच्ची भक्ति से ये भी संभव है, किंतु सच्ची भक्ति सभी प्रकार के मोह को त्यागने पर ही संभव है, इसलिए सच्ची भक्ति के लिए तुम्हें पकवानों का मोह छोड़ना होगा। आप सच्ची भक्ति के लिए मेरा मार्गदर्शन करने की कृपा करेंगे गुरुवर? पावन भक्ति के इस मार्ग पर मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, और मुझे विश्वास है कि एक दिन जब तुम्हें वो तृप्ति प्राप्त होगी तब तुम भूख प्यास आदि पर विजय पा सकोगे। अपने गो अर्थात इंद्रियों पर नियंत्रण पाकर तुम भी गोसावी कहलाओगे, गणपति बप्पा की कृपा के तुम पात्र बनोगे। गुरु के आशीर्वाद और उनकी देखरेख में मोरिया भक्ति के मार्ग पर चल पड़ा। जो बालक कभी भोजन से दूर नहीं रह पाता था, वो अब वेद और शास्त्रों का ज्ञान पाकर
अपनी माता के साथ व्रत करने लगा और प्रत्येक मंगलवार को अपने पिता के साथ मयूरेश्वर मंदिर जाना कभी नहीं भूलता था। भोजन का मोह छोड़कर उसने अपना ध्यान भटकने से रोक दिया। क्या हुआ पुत्र? मिष्ठान की दुकान है ना पीछे बाबा, बस उसे देखे खाने का मन ना करे, इसलिए बिना देखे चल रहा हूँ। ओ मोरिया, भूखे पेट कहाँ चले? एक बार इधर देख तो लो, लड्डू जलेबी, एक बार देख तो लो, बहुत कुछ है यहाँ। पुत्र, सहन शक्ति का फल हमेशा अच्छा होता है। सुनो गणेशा, हम भक्त तेरे, प्रभु तेरी महिमा गाए, प्रभु तेरी महिमा गाए, बप्पा तेरा ही गुण 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 गाए। विघ्नेशाय नमः, विश्ववरदाय नमः, विश्वचक्षुषे नमः, जगत्प्रभवे नमः, हिरण्यरूपाय नमः, सर्वात्मने नमः, ज्ञानरूपाय नमः, जगन्मयाय नमः, ऊर्ध्वरेत्ये नमः, महाबाहवे नमः, अमेयाय नमः, अमित विक्रमाय नमः। बाबा, आपने पर्दा क्यों बंद कर दिया? पुत्र, ये भोग चढ़ाने की विधि है। हम उन्हें आमंत्रित करेंगे तो गणपति बाप्पा भोग करने आएंगे, और जो बचेगा वो हमारे लिए होगा बाप्पा का प्रसाद। मोरिया अत्यंत सरल हृदय था। उसने अपने पिताजी से सुना तो मान लिया कि उसके प्रभु प्रत्यक्ष रूप में भोग खाने आते हैं। बाबा, आज मंगलवार है ना, तो चलिए ना गणपति बाबा के दर्शन करते हैं। चलो। स्वामी, ये आप क्या कर रहे हैं? आपके पैर में मोच है, ऐसी अवस्था में आप कहीं नहीं जाएंगे, विश्राम कीजिए। किंतु फिर गणपति बाबा का भोग उन तक कौन पहुंचाएगा? मैं हूँ ना बाबा। सुनो गणेशा, हम भक्त तेरे, प्रभु तेरी, मैं हूँ ना बाबा, मैं लेके जाऊंगा गणपति बप्पा का भोग, अब विश्राम कीजिए। तेरी महिमा गाए, बप्पा तेरा ही गुण गाए। अब तो मैंने पूरी विधि भी सीख ली है और मंदिर का मार्ग भी पता है, और गुरुजी ने भी कहा था कि पुत्र का धर्म है पिता की पूजा अनुष्ठान पूर्ण करना, तो मुझे जाने दीजिए ना पिताजी। हम विक्रमाय नमः, निर्मलाय नमः, ओम सुमुखाय नमः, शर्मदा। आज तो गणपति बप्पा को भोग मैं ही चढ़ाऊंगा। दीपवाहनाय नमः। भैया, अब हमारे साथ खेलने नहीं आओगे क्या? आज नहीं, आज तो मुझे भोग चढ़ाने जाना है। ओ, तो इस थाली में तुम्हारी माँ के हाथ के बने स्वादिष्ट मिष्ठान है। मित्रों, अब मैं लोभ में नहीं आऊँगा, मैं पहले वाला मोरिया नहीं रहा, गुरु जी की कृपा से मैं बदल गया हूँ। अब तो मुझे गणपति बप्पा के नाम में ही रुचि है। लो उनका नाम लो, किंतु उनका नाम लेने से पेट की भूख थोड़ी ना मिट जाएगी। हाँ, उनका नाम लोगे तो मिष्ठान का स्वाद आ जाएगा मुँह में, संतुष्टि मिलेगी क्या मोरिया? स्वाद, संतुष्टि, आनंद सभी मिल रहा है मुझे। तुम भी प्रयास करो ना मित्र, गणपति बप्पा का नाम ही चमत्कारिक है। और अभी मुझे विलम्ब हो रहा है, मेरा मन मत भटकाओ, जाने दो, नहीं तो गणपति बप्पा भूखे रह जाएंगे। भूखे तुम रहोगे या फिर गणपति बप्पा? क्षमा कर दे गणपति बप्पा, देर हो गई, बाबा के पाँव में चोट है और दोस्तों ने मुझे बातों में लगा लिया, आपके नाम की मिठास नहीं समझे है ना अभी। पर चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए बहुत स्वादिष्ट भोग लेके आया हूँ। देखिए, पूरे 10 लड्डू। बस अब मैं शीघ्र आपकी पूजा कर आपको भोग चढ़ाऊंगा। ओम नमस्ते गणपते, त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं कर्तासि।
कीजिए। पति पप्पा पधारिए, भोग ग्रहण कीजिए। ब्रह्मासि।